सुप्रभात बच्चों, आशा है कि तुम सब बहुत अच्छे होंगे। आज के हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण विभाग का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। इस विषय के बारे में हमने पहले भी कुछ जानकारी ली है अलग विषयों में, तो आज हम इसके बारे में और कुछ जानकारी अधिक लेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो क्रिया के ऊपर है। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि गोपाल पढ़ रहा है, यह एक वाक्य है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब कार्य, जो काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध कराता हो उसे हम क्रिया कहेंगे। तो गोपाल पढ़ रहा है यानी कि गोपाल यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा? पढ़ रहा है। जैसे कि सीता ने गीत गाया, तो यहाँ पर सीता गीत गा रही है, गाना गा रही है, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा? गाया। उसी प्रकार जिस वाक्य में कार्य के होने की हमें सूचना देती हो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे कि लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सारे क्रियाओं को समझते हैं। तो क्रिया की संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, और उसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना अगर क्रिया हुआ तो उसका धातु रूप होगा लिख, पढ़ना अगर क्रिया हुआ तो उसका धातु रूप होगा पढ़, उसी प्रकार खाना का खा होगा उसका धातु रूप। तो कभी कभी धातुओं के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, लिखना, पढ़ना, उठना, खाना, यानी लिख है धातु रूप, लिख के साथ ना वर्ण को जोड़कर हम क्रिया रूप बनाते हैं, लिखना, पढ़ के साथ ना रूप जोड़कर पढ़ना, उसी प्रकार। तो क्रिया कर्म का बोध होने को समझता है, तो वाक्य में क्रिया होना अनिवार्य है। तो सभी वाक्य में क्रिया होता है और क्रिया कर्म को कार्य की होने की सूचना हमें देती है। कुछ उसके उदाहरण भी हम देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, गोपाल पढ़ रहा है। गोपाल यहाँ पर पढ़ने का काम करता है, इसलिए पढ़ रहा है यहाँ पर क्रिया हुआ। सीता ने गीत गाया, सीता गीत गा रही है, तो गाया क्रिया का, कार्य का होने का बोध कराता है। सूरज पूरब में उगता है, तो उगता है यहाँ पर कार्य के होने की सूचना देती है। तो ये सारे वाक्य से हमें क्रिया की सूचना मिल गई कि क्रिया हम किसे कहेंगे और कैसे पहचानेंगे। उसी प्रकार क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और एक धातु के व्यवहार से अनेक रूप बनता है। धातु है अगर लिख, तो ना जोड़कर हम उसे कर सकते हैं लिखना, लिखना हो जाएगा एक क्रिया, लेकिन लिख होगा एक धातु रूप। उसी प्रकार पढ़, उठ, खा, पी, पा, खेल, ये सारे शब्दों को हम एक धातु रूप कहेंगे। तो क्रिया के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे है, इसके बारे में जानें। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का रहना आवश्यक है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता या फिर कर्म ना रहने के बावजूद वो वाक्य बनता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो क्रिया के साथ कर्म रहना यानी कि पढ़ना, लिखना, देखना, ये सारे सकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि राम फल खाता है, राम फल खाता है, यहाँ पर राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा,
हमने इसके बारे में भी पहले पढ़ा है। फल यहाँ पर कर्म है और खाता खाता है यहाँ पर क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया होने की सूचना देती है। राम फल खाता है, इस वजह से राम हो गया यहाँ पर संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और खाता है यहाँ पर हो गया क्रिया। क्या खाता है राम? फल खाता है, तो फल यहाँ पर हो गया कर्म। यानी कि अगर जिस वाक्य में कर्म के साथ साथ क्रिया की होने की सूचना देता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि सीता गीत गाती है, सीता यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो एक नाम को समझता है। गाती है यहाँ पर हो गया क्रिया, क्योंकि यह कार्य की सूचना देती है। और क्या गाती है? गीत गाती है, तो गीत यहाँ पर हो गया कर्म। यानी कि इस वाक्य में भी कर्म है, इस वजह से इस वाक्य को भी हम सकर्मक क्रिया के समझते हैं। गाती है सकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में फल, गीत और दूध कर्म है, और उनसे संबंधित क्रियाएं सकर्मक है। कर्म में संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म का रहना आवश्यक हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। उसी प्रकार जो दूसरा क्रिया है, अकर्मक क्रिया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है उसने। लड़का हंसता है, लड़का हंसता है, लड़का यहाँ पर संज्ञा। उसी प्रकार हंसता है, हंसता एक क्रिया है, लेकिन हंसता पर यहाँ पर कोई कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वजह से इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इन वाक्यों में हंसना, दौड़ना, सोना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, इस वजह से ये सारे क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। उठना, बैठना, आना जाना, चलना, दौड़ना, ये सारे क्रियाओं को हम अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। तो इसका मतलब जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया होने की बोध हो कराता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस वाक्य में कर्म ना हो, केवल क्रिया हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि आना जाना, खान बैठना, चलना दौड़ना, ये सारे चीज़ें। उसी प्रकार बच्चों, क्रिया के जो रूप होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के भांति क्रिया के मूल रूप भी परिवर्तन होते हैं। कर्ता लिंग के कारण परिवर्तन होता है, कभी वचन के कारण, कभी पुरुष के कारण, और कभी काल के कारण भी परिवर्तन होता है। ये जो क्रिया में काल होते हैं, काल तो प्रमुख होते हैं क्रिया में, कब करता है, जैसे कि राम लिखता है, अभी लिखता है, या फिर लिख चुका है, या फिर लिखेगा, तो क्रिया में काल सबसे मुख्य होता है। तो इससे क्रिया करने का समय का बोध होता है। तो इसलिए ये क्रिया के जो काल है, ये तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल। वर्तमान काल का यानी कि जो वर्तमान समय में क्रिया का होना हमें सूचित कराता हो, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। उसी प्रकार अगर राम लिखता है, यानी कि वो अभी भी लिख रहा है, इस वजह से यह हो गया वर्तमान काल। हरि जा रहा है, गोपाल रोता है, गोपाल रोता होगा, तो इसमें जो क्रियाएं या फिर काल दी गई, इसमें भी कुछ परिवर्तन की गई है। जैसे कि क्रिया के इस रूप को वर्तमान काल हम कहते हैं, और ये वर्तमान काल चार प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये चार प्रकार के वर्तमान काल का भाग किया गया है। जैसे कि ऊपर दिए गए प्रथम वाक्य में साधारण रूप से क्रिया का होना प्रकट होता है, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, राम लिखता है, यानी कि राम अभी भी लिखने का काम कर रहा है। जो दूसरा वाक्य है, हरि जा रहा है, यानी कि द्वितीय वाक्य में वर्तमान काल में क्रिया की असमाप्ति का बोध होता है। हरि जा रहा है, यानी कि उसका जाने का जो काम है वो समाप्त नहीं हुआ है, असंपूर्ण, इसलिए हम इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रहा है, जा तो अभी रहा है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल।
गोपाल रोता है। तीसरा वाक्य में वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना अधिक रहती है। क्रिया यानी गोपाल रोता है संभावना अधिक रहती है, इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। और चौथा जो है गोपाल रोता होगा, यानी कि चौथे वाक्य में हमें संदेह पाया जाता है, शायद वो रोता भी होगा या फिर नहीं भी रोता होगा, इसलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। क्योंकि इसकी सूचना हमें नहीं मिल पाई है, संदिग्ध वर्तमान काल की जो रूपावली दी गई थी, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार परिवर्तन होता है और काल के अनुसार, ये चार के प्रकार के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। बताया गया था पुरुष के अनुसार, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, लिंग के अनुसार भी उसी प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और वचन एकवचन बहुवचन, और वर्तमान जो है वो सामान्य वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य या फिर संदिग्ध वर्तमान। जो पुरुष में परिवर्तित होता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं एकवचन को समझता है, हम पढ़ते हैं, हम सबको समझता है, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर लिखा गया था पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, पुल्लिंग में होगा एकवचन में, उसी प्रकार पुल्लिंग बहुवचन में होगा, मैं का परिवर्तन रूप होगा हम पढ़ते हैं, यानी कि बहुवचन वचन के रूप में परिवर्तन होने के साथ साथ ओ क्रिया में भी परिवर्तन होता है। पढ़ता हो गया पढ़ते, मैं हो गया हम। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखूं तो मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ती हैं, इसी प्रकार परिवर्तन होता है। मध्य में भी परिवर्तन होता है और अन्य पुरुष में भी परिवर्तन होता है, ये सामान्य वर्तमान कहलाता है। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा, ये है हमारा दूसरा वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल यानी तत्कालिक वर्तमान, जिसमें क्रिया की असमाप्ति का बोध होता है, क्रिया का समाप्त नहीं हुआ है। ये भी पुरुष वचन और लिंग काल के अनुसार विभक्ति किया गया है। उत्तम, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मेरा कार्य अभी भी चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं, मैं हम का परिवर्तन हो गया। मैं पढ़ रही हूँ, लिंग हम पढ़ रही हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग से परिवर्तन रूप हो गया। उसी प्रकार तू पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, तू पढ़ रही है या फिर तुम पढ़ रही हो, इस तरह उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष में परिवर्तन होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष, तुम होगा यहाँ पर मध्यम पुरुष, और वह और वे होगा अन्य पुरुष। तो दूसरा जो अपूर्ण वर्तमान है, यह हमें क्या सूचित करता है? यह हमें सूचित कराता है कि वर्तमान काल में ये वाक्य जो है क्रिया की असमाप्ति का बोध कराते हैं, क्योंकि अभी तक इस क्रिया का समाप्ति नहीं हुआ है। और संभाव्य वर्तमान जो तीसरे वाक्य में था, उसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना, संभाव्य का मतलब क्रिया के होने की संभावना अधिक रहती है। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हों, मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ती हो, संभावना अधिक रहती है, इसलिए हम इसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। संभावना शायद, मध्यम पुरुष में तू पढ़ता हो, तुम पढ़ते हो, तू पढ़ती हो और तुम पढ़ती हो, इस तरह संभाव्य वर्तमान काल में रूप परिवर्तित होते हैं। चौथा जो है वो है संदिग्ध वर्तमान काल, जो सबसे सहज है। और आखिरी चौथा में यह है कि जिस वाक्य में हमें संदेह पाया जाता है, वो शायद यह क्रिया या फिर कार्य करता भी होगा या फिर नहीं भी करता होगा, संदेह पाया जाता है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मैं पढ़ता हूँगा, हम पढ़ते होंगे, मैं पढ़ती हूँगी, यह तो लिंग में परिवर्तित हो गया, मैं पढ़ता हूँगा,
मैं पढ़ती होंगी। उसी प्रकार हम पढ़ते होंगे, हम पढ़ती होंगी, तू पढ़ता होगा, तुम पढ़ते होगे, तू पढ़ती होगी, तू पढ़ती, तुम पढ़ते होगी। इसी प्रकार का वाक्य में परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा वर्तमान काल का चार प्रकार भेद। अब हम देखेंगे दूसरे काल जो भूत काल है, जो बीत चुका है, उसके प्रकार भेद या फिर उसे क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, राम कटक गया, वह फल खा रहा था। इन वाक्यों में से बीते हुए समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को हम भूतकाल कहते हैं। तो जिस रूप से क्रिया का बीते हुए समय का हमें बोध कराता हो, जो बीत गया है उसे हम बोध कराता हो, तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। तो ये भूतकाल छह प्रकार का होता है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत। तो ये सारे हमारे भूतकाल के छह प्रकार का भेद है। तो ये पहला भूतकाल का प्रकार भेद है, सामान्य भूत, यानी कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की सामान्यता का बोध हो उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। इसकी रूपावली भी पुरुष लिंग वचन और काल के अनुसार भेद किया गया है, लेकिन इसमें लिंग और वचन भी विभाग किया गया है। इसमें जो कर्म हैं वो सकर्मक और अकर्मक के कारण भी इसे दो भाग किए गए हैं। जैसे कि हमने कहा था जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ क्रिया हो उसे हम सकर्मक कहेंगे, कर्म के साथ क्रिया ना हो, कर्म के कर्म ना हो और क्रिया हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उत्तम पुरुष में मैं गया, गया सकर्मक है या फिर अकर्मक क्रिया है? गया निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह हो गया मैं गया। मैं का बहुवचन रूप में हम गए। उसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन में मैं गई और बहुवचन में हम गई। तो ये हमारा अकर्मक क्रियाओं में सामान्य भूत में परिवर्तित हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर गया होने के बदले खाया होता, तो अगर मैं कहूँ मैंने केला खाया, यानी कि केला खाया, खाया एक प्रकार का क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो खाया सकर्मक क्रिया है, खाया के पास कर्म का प्रयोग है, इस वजह से केले खाए यानी कि सकर्मक क्रिया हो गया। तो वहाँ पर लिखा गया था मैं गया, यानी कि अकर्मक क्रियाओं में मैं के प्रयोग होता है और सकर्मक क्रियाओं में सामान्य भूत में ने के प्रयोग करके उसे हम मैंने लिखते हैं, मैंने केले खाए। उसी प्रकार फिर से दिखाती हूँ, सामान्य भूत में अकर्मक क्रिया में मैं गया, यहाँ पर ने की व्यवहार नहीं की गई है क्योंकि अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। मैं गया, हम गए, मैं गई। उसी प्रकार अगर सकर्मक क्रिया के बारे में हम सोचें तो यहाँ पर ने का प्रयोग है, ने, मैंने केला खाया, खाया है क्रिया, केला होगा कर्म, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। तो इसलिए ने का प्रयोग होकर उसे हम लिखेंगे मैंने। यहाँ पर तुम्हें समझाया गया है उपयुक्त रूपावली से यह स्पष्ट है कि क्रिया अकर्मक हो तो सामान्य भूतकाल में कर्ता के अनुसार होता है, क्रिया सकर्मक होने पर कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह लगता है और क्रिया का रूप पुल्लिंग एकवचन में होता है, जैसे मैंने खाया, हमने खाया, तूने खाया। इसी प्रकार ये हो गया हमारा पहला सामान्य भूत। दूसरा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार की आसन्न समाप्ति की सूचना मिलती है उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। तो याद रखो
पहला जो हमारा भूतकाल था सामान्य भूत में, क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार हमारा वाक्य परिवर्तन होता है। उसी प्रकार दूसरे जो हमारा भूतकाल में दूसरा आसन्न भूत है, इसमें वचन के अनुसार आसन्न भूतकाल बनाए जाते हैं इसके रूप। जैसे कि मैं गया हूँ, मैं का बहुवचन हम, गया का गए हैं। उसी प्रकार मैं गई हूँ, हम गए हैं। तो सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों में वचन के अनुसार हे और हे का परिवर्तन होता है। हे और हे यानी कि एक वचन से बहुवचन, ये हो गया हमारा एक वचन, ये हो गया हमारा बहुवचन। जैसे कि मैंने केला खाया, मैंने केला खाया यानी कि एक केला को यहाँ पर समझता है, लेकिन मैंने केले खाए, केला का बहुवचन रूप होगा केले, यानी कि बहुत सारे केले। तो एक वचन में है और बहुवचन में हे के अनुसार लगाकर हे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा भूतकाल है उसमें वचन के अनुसार रूप परिवर्तन होता है आसन्न भूत में। तो आसन्न भूत में सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों को वचन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तीसरा जो है पूर्ण भूत, तो इसमें क्रिया व्यापार के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूपों में भी परिवर्तन होता है। इसमें लिंग और वचन दोनों के आधार पर रूप बनाए जाते हैं, लिंग और वचन के आधार पर, जैसे कि था, थे, थी और थी लगाकर पूर्ण भूत के रूप बनाए जाते हैं। मैं गया था, हम गए थे। था का मतलब एक वचन, थे का मतलब बहुवचन। यहाँ पर लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। और जैसे कि उसने दिया है सकर्मक क्रिया में मैं गया था, गया था सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में केला खाया था, यहाँ पर कर्म है इस वजह से यह हो गया सकर्मक क्रिया। हम गए थे, था हुआ एकवचन, थे हुआ बहुवचन। उसी प्रकार मैंने केला खाया, केला एक वचन को सूचित कराता है और केले बहुवचन को सूचित कराता है। उसी प्रकार मैं गई थी, लिंग, मैं गई थी, मैंने रोटी खाई थी, मैंने रोटियां खाई थी। तो इसमें भी परिवर्तन होता है। तो ये पूर्ण भूत लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। चौथा है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के समाप्त न होने का बोध हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूत के दो मुख्य रूप होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, यानी कि कर्म के अनुसार अकर्मक और सकर्मक। मैं जा रहा था, हम जा रहे थे। मैं जाता था, हम जाते थे। यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में हमें जो क्रिया दिखाई देती है वो क्रिया समाप्त नहीं हुआ है, असमाप्ति का उसे बोध कराता है, इसलिए उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूत। उसी प्रकार संदिग्ध यानी कि संदेह, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मैं गया हूँगा, हम गए होंगे, यानी कि हम संदेह है उसे हम पूर्ण रूप से सूचित नहीं होता है कि यह कार्य हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे संदिग्ध भूत। मैंने केला खाया होगा, हमने केले खाए होंगे, ये भी वचन और क्रिया के अनुसार इसका रूप परिवर्तन होता है। छठी जो है हेतु हेतु मद्भूत। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी उसे हम हेतु हेतु मद्भूत काल कहते हैं। यानी कि होने वाली थी लेकिन किसी कारणवशतः, किसी कारण के वजह से
वो कार्य नहीं हो पाया, उसे हम हेतु हेतु मद्भुत कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, जैसे कि प्रथम रूप में एकवचन पुल्लिंग में मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, बहुवचन में मैं का बहुवचन रूप हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, इसका मतलब हमने पढ़ा नहीं उत्तीर्ण नहीं हुआ। द्वितीय रूप में मैंने पढ़ा होता तो मैं उत्तीर्ण हो गया होता, हमने पढ़ा होता तो हम उत्तीर्ण हो गए होते। यहाँ पर दो रूप दिया गया है। तो ये था हमारा आखिरी हेतु हेतु मद्भुत, यानी कि जिसमें क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारण के वजह से वो नहीं हो पाया, इस वजह से इसका फल इस तरह लिखा गया है। मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण होता या फिर हो जाता, मैंने पढ़ा नहीं और इसलिए मैंने उत्तीर्ण नहीं हुआ, मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ। ये था हमारा भूतकाल के छह प्रकार। अब हम देखेंगे भविष्यकाल। भूतकाल में जो बीत गया है उसके बाद हमें उसकी फल का प्राप्ति होती है भूतकाल में, लेकिन भविष्यकाल में जो आने वाला समय होता है उसे हम भविष्यत यानी कि भविष्यकाल कहते हैं। मैं हंसूंगा, राम पढ़ेगा, सीता नाचेगी, इन वाक्यों में आने वाले समय में क्रिया का होना सूचित होता है। आने वाले समय यानी कि होगा, क्रिया के इस रूप को भविष्यकाल कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। जैसे कि सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद, ये तीन प्रकार के भविष्य हैं। तो पहला होता है सामान्य भविष्य की रूपावली, उसी प्रकार वचन, पुरुष और लिंग और काल के अनुसार उसकी रूप परिवर्तन होता है। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूंगा एकवचन पुल्लिंग में, और उसी प्रकार पुल्लिंग बहुवचन में हम पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग में मैं पढ़ूंगी तो उसके वचन में हम पढ़ेगी, उसी प्रकार संभाव्य भविष्यत में मैं पढ़ूं, हम पढ़ें, तू पढ़े, तुम पढ़ो, वह पढ़े, वे पढ़े, इसी प्रकार काल में संभाव्य भविष्यत में परिवर्तन होता है। तो हेतु हेतु मद भविष्यत को रूपावली संभाव्य भविष्यत की रूपावली की तरह ही होती है। तो ये बच्चों हमारा था काल की जो प्रकार भेदी। अब हम जानेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया, इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि हर वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है, हर वाक्य में क्रिया रहता है, वो सकर्मक हो या फिर अकर्मक हो, हमने पढ़ा है। उसी प्रकार इस क्रिया में भी दो प्रकार के क्रियाएं हैं, जैसे कि पहला है सहायक क्रिया और दूसरा है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से ये संयुक्त क्रिया बनता है। तो लड़का सो गया है, यहाँ पर गया है एक प्रकार का क्रिया। लड़के ने खा लिया है, रमेश पढ़ चुका है। तो इन वाक्य में दो दो क्रियाएं आई है, इनमें से एक मुख्य क्रिया कहलाता है तो दूसरा सहायक क्रिया, वो क्रिया की सहायता करता है। यानी कि संयुक्त क्रिया की संज्ञा क्या होगी? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से संयुक्त क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि चाहना, पाना, रहना, चुकाना, सकना, लेना, लगना, उठना, पढ़ना, देना, जाना, होना, ये हो गए हमारे सहायक क्रियाएं। इनमें कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, चलो उसे हम देखते हैं और तुम सब समझने की कोशिश करो। मैं जानना चाहता हूँ, इस वाक्य में क्रिया क्या है? जानना मुख्य क्रिया है, चाहता हूँ सहायक क्रिया है। उसी प्रकार मैं यह कार्य नहीं कर पाऊँगा,
यह कार्य उससे हो नहीं पाएगा। कर यानी कि यहाँ पर सह मुख्य क्रिया है, पाऊंगा सहायक क्रिया है। हरि घर जाता रहेगा, जाता यहाँ पर हो गया मुख्य क्रिया और रहेगा यहाँ पर हो गया सहायक क्रिया। तो इनमें से कुछ वाक्य तुम लोगों को दिया गया है, इस वाक्यों में से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को छानकर तुम समझो कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या होती है। और ये है हमारा आखिरी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बारे में हमने मातृभाषा और में भी जानकारी ली है। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे कि हमने पहले भी तुम लोगों को कहा था कि मूल धातु जो है उससे ये क्रिया बनती है, प्रेरणार्थक क्रिया। राम सोता है, माँ खाती है, राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। तो इसमें राम सोता है और माँ खाती है, सोने और खाने का काम राम और माँ करते हैं, लेकिन राम बच्चे को सुलाता है और माँ बच्चे को खिलाती है। इन दोनों वाक्य में सोने के लिए या फिर खाने के लिए, इन दोनों में राम और माँ की प्रेरणा देते हैं, राम सुलाने का और माँ खिलाने का। इसलिए सोना और खाना मूल क्रिया हैं, मूल धातु क्रियाएं हैं, तथा सुलाना और खिलाना इसका प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सोना का प्रेरणार्थक क्रिया है सुलाना और खाना का प्रेरणार्थक क्रिया है खिलाना। परीक्षा में भी आएगा सुलाना का मूल धातु क्या है, सोना। खिलाना का मूल धातु है खाना। उसी प्रकार सोना का प्रेरणार्थक क्रिया है सुलाना और खाना का खिलाना। लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार के होती हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। मूल धातु रूप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये है मूल धातु रूप। जैसे कि कर, कर का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है करना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है करवाना। उसी प्रकार चल है मूल धातु, चलाना चलवाना, सुनाना सुनवाना, सुलाना सुलवाना। तो ये सारे हमारे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और ये हो गए हमारे मूल धातु। उसी प्रकार ये दूसरे भाग में भी दिया है, दौड़ है मूल धातु, दौड़ाना है प्रथम प्रेरणार्थक और दौड़वाना है द्वितीय प्रेरणार्थक। ये तुम सब लोग इसे याद रखो। और इसके धातु रूप क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है, इसको समझो। तो आज का हमारा जो विषय क्रिया था वो अब ख़त्म हो गया है। तुम लोग इस विषय को ध्यान से समझो और अपने पुस्तक में करने की प्रयास करो। इसमें जो दिया गया है अभ्यास, इसे अपने आप करने की प्रयास करो। आज के लिए इतना ही। हम अगले कलांश में एक और नए विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।